क्या ऐसा लगता है कि उपभोक्ताओं की जब बात होती है, क्योंकि आपने कहा कि ब्रांडेड सबसे आपसे परहेज नहीं है, लेकिन एक सत्यता ये भी है कि पतंजलि और आप खुद एक ब्रांड बन चुके हैं, आपका जब जब आप विज्ञापन के रूप में खुद आते हैं तो आपके प्रति जो एक श्रद्धा कहें, एक आस्था कहें, तो एक ब्रांड के तौर पर नजर आती है। तो आपको मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि उपभोक्ताओं को भी आज के दौर में संगठित करने की जरूरत है? देखो, क्या आप संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं? दो बातें हैं। मैं तो कहता हूँ उपभोक्ताओं को भी मैं संगठित करना चाहता हूँ। वैसे उपभोक्ता शब्द जो है ये बाजारवादी, मतलब भोगवादी शब्द है, भोगवादी और भौतिकतावादी शब्द है ना, ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड है। लेकिन हम उपभोक्ताओं को, हम जो है हमारे यहाँ के व्यापारियों को, और हम पूरे इसको हम संगठित करना चाहते हैं। कैसे? एक, आप अपने भारतीय होने का धर्म इस रूप में तो निभाएं कि आप अपनी दुकान में जो फर्स्ट विजिबिलिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर आप विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट रखते हैं। ये कौन सा जायज है भैया? माने आप किसी भी दुकान पर जाओ तो डिस्प्ले में आपको पहले आपको सामान दिखेगा नेस्ले का, कोलगेट का, पहले सामान दिखेगा आपको यूनिलीवर का, वो देशी सामानों को पीछे रखते हैं। तो हम कहे भाई आप इतना तो करो देश हित में कि आप देश के लिए बड़ा काम नहीं कर सकते। तो पतंजलि तो 100% चैरिटी के लिए काम कर रहा है। अरे एक तरफ आपकी कमाई भी हो रही है, देश की भलाई भी हो रही है। आप पतंजलि का सामान जो है वो आप आगे रखिए। आप और उपभोक्ताओं से भी हम कह रहे हैं कि भाई हम उपभोक्ता मान करके कोई काम कर रहे नहीं रहे, हम तो सबको अपना परिवार मान के काम कर रहे हैं। हम वही पतंजलि का प्रोडक्ट बनाते हैं जो मैं प्रयोग करता हूँ, जो हमारी जो शिष्य हैं, हमारे ब्रह्मचारी वो प्रयोग करते हैं। मैं वो चीज़ जो अपने माता पिता को खिला सकता हूँ, जो मैं खुद खा सकता हूँ, जिसको आचार्य भाषण जी खुद प्रयोग कर सकते हैं, हम वही वस्तु किसी अन्य को प्रयोग के लिए हम ऐसा नहीं कि जो बिकता है वो बेच सकते वो नहीं। और हम तो अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हैं जी। आचार्य भाषण जी हमारे अनपेड MD हैं और उनके लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो 97% उसकी शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं। क्योंकि जो है एक बाकी मैंने कहा पूरा का पूरा हमारा मकसद इसके पीछे ट्रस्टीशिप का है जी। जी, आपकी दक्षिण भारत में भी, क्योंकि उत्तर भारत में तो आपका एक, और पश्चिम भारत में भी अब आपने बताया, तो दक्षिण भारत की तरफ भी कुछ विस्तार की योजना है? देखिए, अभी पूरे भारत में मैंने कहा ना, आंध्र प्रदेश से लेकर के कर्नाटक से लेकर के और अभी मध्य प्रदेश और जो है नागपुर तक तो हम पहुँच गए, तो चारों तरफ जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग किट्स भी होंगी। दरअसल ये भगवान करवा रहा है। मैं ज़्यादा, अब देखो मैं कोई जो है कोई प्रोफेशनल आदमी तो हो नहीं, मैं तो जो एकदम देसी बाबा हूँ। हाँ, पढ़ा लिखा बाबा हूँ, अनपढ़ नहीं। मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ाया, वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र पढ़ाया, और मैंने मेडिकल साइंस पढ़ाया, फिर मैंने जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया। मैं पॉलिटिकल साइंस को जानता हूँ, सोशल साइंस को जानता हूँ, और जो है ह्यूमन साइकोलॉजी को जानता हूँ। मार्केटिंग विशेषज्ञ भी। तो अब ये जो मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ये बहुत छोटे शब्द हैं, ये कुछ नहीं है। जिसको जीवन प्रबंधन आता है, जिसको लाइफ मैनेजमेंट और स्पिरिचुअल मैनेजमेंट आता है, उसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, ये तो बहुत छोटे शब्द हैं उनके लिए, बहुत छोटे काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टार्टअप प्रोग्राम को लेकर के भी आए हैं, स्किल इंडिया को लेकर के भी, तो पतंजलि भी क्या इसमें कोई नई भूमिका निभाने का इच्छुक है, या कोई इस योजना से जुड़ करके कुछ? देखिए, जो स्टार्टअप इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है कि नए उद्यमियों को अवसर मिले, इसके लिए सबसे पहले तो पतंजलि ने एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित किया है, एक 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 रोल मॉडल की भूमिका में है कि आप विदेशी ब्रांड्स को भी टक्कर दे सकते हैं। और हम तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में गांव से आए हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यंगस्टर्स हमारे, वो तो क्या नहीं कर सकते हैं? तो हाँ, हम इसमें ज़रूर, जैसे हमें जो है बैकवर्ड लिंकिंग करना है और रॉ मटेरियल के सोर्सेज से लेकर के
और पैकेजिंग मटेरियल है, सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्टेशन आदि है, कितने हमारे काम है, सैकड़ों काम है, उसमें जो है सैकड़ों नए उद्यमियों को अवसर देंगे हम। हमने कहा ना, हम तो विकेंद्रित विकास, डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट, इसमें भरोसा करते हैं। शिक्षा में जैसे ये आ रहा था कि आप आचार्य कुलम की भी स्थापना कर रहे हैं, तो ये महसूस किया जा रहा है, मैं फिर ये कहूँगा कि उत्तराखंड तो कम से कम ICSE का और ICSE एजुकेशन का गढ़ भी माना जाता है, और तो आप ऐसा कोई प्रयोग जो आपने कहा कि आचार्य कुलम आप खोल रहे हैं, 500 के लगभग आचार्य कुलम खोलेंगे, आपकी योजना भी है, तो वैदिक और जो पुरातन संस्कृति है, शिक्षा है, उसको लेकर के कुछ आप देखिए, ये विकल्प के तौर पर, वैश्विक विकल्प के तौर पर आ गया भाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी से लेकर के हमारे देश के बहुत ही समझदार, विवेकशील, बहुत दूरदर्शी, इस समय हमें जो है मानव संसाधन मंत्री के रूप में हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी मिले, और वो वैचारिक तौर पर इस बात से सहमत हैं कि वैदिक शिक्षा बोर्ड बनना चाहिए। अब जो इसकी जो कुछ लीगल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही, क्योंकि देश की भलाई में है, वैदिक एजुकेशन बोर्ड बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 70 सालों से इसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही है। जब से भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले तो हमारे यहाँ गुरुकुलीय व्यवस्था थी ही, ये तो अंग्रेजों ने इसको जो है पूरा ध्वस्त कर दिया था। तो हम इसमें मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, साइंस मैथमेटिक्स सोशल साइंस, ये जो और लैंग्वेजेस, ये तो हम सारे इसमें आधुनिक रखेंगे, इंग्लिश भी रखेंगे हम, और राष्ट्रभाषा जो भी संस्कृत भाषा, ये हमारी अनिवार्य होंगी, तीन भाषाएं, तो चौथी किसी दूसरे प्रांत में तो प्रांतीय भाषा, 3 से 4 भाषाएं, माने न्यू वर्ल्ड के साथ, न्यू नॉलेज के साथ कनेक्टिविटी, और एक तरफ हमारा वेद दर्शन उपनिषदों का जो योग और अध्यात्म का ज्ञान, क्योंकि जिस तरह से चारित्रिक, आपराधिक और आर्थिक दोष बढ़ रहे हैं, अच्छे आदमी बनेंगे कैसे, तो वो तो वैदिक शिक्षा से ही बनेंगे। तो वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों के माध्यम से देश में एक बड़ी क्रांति हो, माने शिक्षा का भारतीयकरण, शिक्षा का संस्कारीकरण, शिक्षा का स्वदेशीकरण, उसकी दिशा में ये वैदिक एजुकेशन बोर्ड और ये हमारे आचार्य कुलम काम करेंगे। पहले हम जो है इसको एक आदर्श के रूप में खुद अपने जो है आचार्य कुलम खोलेंगे, और हमारा, हमने कहा करीब 80% जो हमारा पतंजलि का प्रॉफिट, हम इसी के लिए डेडिकेट करेंगे, बाकी लोगों से भी दान लेंगे। ये पूरे देश में पहला हमारा लक्ष्य है कि देश के हर एक राजधानी क्षेत्र पर हो, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम करेंगे, हर एक जिले में कम से कम एक हो, पहले चरण में हमारा ऐसा लक्ष्य है, हर जिले में एक जी, और फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बने जो नालंदा और तक्षशिला से भी बड़ा हो। कब तक हम अतीत का गौरव बखान करते रहेंगे, वर्तमान में भी तो कुछ हमें ऐसा करके दिखाना है कि आने वाली पीढ़ियां हम पर गौरव फक्र महसूस करें कि हमारे पुरखे हमारे लिए कुछ करके गए। जो आपने अरविंद के संदर्भ में कहा, हमारे 4 फोकस पॉइंट है, एक योग जी। एक योग से जीवन में सारे शुभ के द्वार खुल जाते हैं, स्वास्थ्य के, समृद्धि के, सद्गुणों के, सद्भावों के, सद्विचार के जी। दूसरा आयुर्वेद, आयुर्वेद पर हम 700 करोड़ रुपये रिसर्च में खर्च करेंगे। जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात की जाती है, हमने यहाँ जो रिसर्च सेंटर बनाया, एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की पूरी व्यवस्था की हमने, पहली बार गैर सरकारी क्षेत्र में बड़े तौर पर ये काम हो गया, वो शुरू हो चुका है। और तीसरा जो है ये जो स्वदेशी वाला जो कार्य है, ये तो चल ही रहा है, जो सबको कार्यों को ताकत देने, और वैदिक शिक्षा का, इसमें हमने अभी एक काम और भी किया है कि जितने बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं, उनके पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, तो हमने कहा भाई बहुत सी मठों की, मंदिरों की जमीन तो बिक गई है, लोगों ने कब्जा कर ली, तो भाई ये जमीन हमारे पुरखों ने धर्मादा कामों के लिए रखी थी, बिल्कुल, उनको अब बहुत से मठों ने हमें जमीन देनी शुरू की है। अच्छा, अभी जैसे हम मूलतः गुरुकुलीय परंपरा और महर्षि दयानंद के विचारों से अनुप्राणित होकर के यहाँ तक पहुँचे, फिर अखाड़ा परंपरा में उदासीन बड़ा अखाड़ा से हम जुड़े हैं जी। तो
तो वहां की महंतों ने, सब ने निर्णय किया कि हमारे मठ, हमारे उदासीन पंचायती अखाड़ा के पास में जो भी भूमि आदि हैं अलग अलग स्थानों पर, उसमें हम आचार्य कुलम के लिए भूमि देंगे। अच्छा, ऐसे कई मठों ने पहल किए, कई नाथ परंपरा के डेरे ऐसे हैं, कई दर्शन अलग अलग दर्शनाम जो अलग अलग अखाड़े हैं जी, उसमें जूना अखाड़ा से लेकर के और अलग अलग महानिर्वाणी अखाड़ा, अलग अलग अखाड़े, उनके कई संतों ने हमारे साथ में पहल की कि स्वामी जी हमारे पास भूमि तो है लेकिन हमारे पास में संसाधन नहीं है और रिसोर्सेज नहीं है और उस तरह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम हम डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बड़ा काम करने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले कहते हैं कोई काम होगा तो धरती पर ही होगा ना, बेसलेस काम वर्क तो हो नहीं सकता, तो धरती चाहिए काम करने के लिए, फिर उसके लिए आपके पास में संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, फिर उसके बाद में आपके पास में जो है साइंस टेक्नोलॉजी स्किल और फिर पूरा एक सिस्टम चाहिए, पूरा एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपर्टाइज जिसको बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें पतंजलि के पास में हैं। तो बहुत से ट्रस्ट हैं, सार्वजनिक ट्रस्ट लोगों ने बना रखे थे अपने बाप दादों की याद में, किसी ने ऐसी धर्मादा बहुत सी जमीनें रखी हुई थी, तो हमने सबसे आह्वान किया कि आप इस मिशन से भी जुड़ो। तो ये योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी से और जो हमारे ये जैसे वैदिक शिक्षा और संस्कार दे करके, आधुनिक शिक्षा दे करके एक अच्छे नागरिक तैयार करना, इससे व्यापक तौर पर लोग जुड़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। आपका राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा खासा दखल है। एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस दखल से, जो आपका दखल रहा है, इससे क्या आपको जो व्यापारिक तौर पर भी जो आप एक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्या इसको सुगम बनाने में कोई सहूलियत आपको मिल पाती है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक जो तंत्र है उसका किसी भी देश के नागरिक या किसी भी देश की के संस्थान के अंदर उसकी दखलंदाजी ना, वही सबसे बड़ा सहयोग होता है। तो वर्तमान राजनीतिक तंत्र किसी भी तरह से हमारे कार्यों में रोड़ा नहीं अटका रहा है। राजनीतिक तंत्र एक व्यवस्था प्रोवाइड करता है आपको, कुछ जो है रूल्स रेगुलेशंस वो बनाते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं जी। राजनीतिक लाभ तो लेना नहीं चाहिए, जो राजनीतिक लाभ है वो गरीबों की सेवा है, राष्ट्र की सुरक्षा है, राष्ट्र के लिए नीतियां बनाना है, ये राजनीतिक प्रयोजन है इस देश किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का। तो राजनीतिक तंत्र अपना काम कर रहा है और हमारा जो इस राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बस वो देश के लोगों को उत्साह दें, ताकत दें, उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और मुंह पर ताले ना जड़े जी। तो राज्य की जो उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, कि राज्य की जो औद्योगिक नीति है उससे आप संतुष्ट हैं? हमने उत्तराखंड के भलाई के लिए जो करना चाहिए था वो किया, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। यदि यहाँ हमें और ज़्यादा अच्छे जो है अवसर मिलता कार्य करने का, तो जो है एक तरह से अच्छा ही हो गया, उससे देश को और लोगों को भी फायदा हो जाता, नहीं तो हम यही ज़्यादा बढ़ाते रहते। तो इन कामों को विस्तार शायद उतनी तेज़ी से नहीं मिल पाता, तो हम कहते हैं जो भी होता है शुभ के लिए होता है, बाकी हमारी शुभकामनाएं उत्तराखंड आगे बढ़े, ये तो देवभूमि है और इस हमारी जन्मभूमि, चाहे एक अलीपुर नाम का छोटा सा गाँव हो सकता है लेकिन हमारी जो है आध्यात्मिक भूमि और बड़े रूप में कर्म भूमि की वो यहाँ से शुरुआत हुई है, तो मैं इसको अपनी आध्यात्मिक जन्मभूमि और इसको कर्म भूमि मानता हूँ। ये तो पूरा विश्व आज हमारी कर्म भूमि है, इस उत्तराखंड के हम पर बहुत उपकार है, इस मातृभूमि भारत माता के हम पर बहुत उपकार है, इसलिए हम उत्तराखंड को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अभी जो देखा गया, आप जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप असम में गुवाहाटी की तरफ एक्सपेंशन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में एक्सपेंशन कर रहे हैं आप, तो हरियाणा में आपने एक्सपेंशन किया, कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं उनमें जो एक्सपेंशन का जो है वो आपका रुझान कहें या ज्यादा है, या कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर आपको अनुकूल माहौल है? कहाँ देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जहां से भी हमें कोई जो है आमंत्रण देगा वहां हम जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में जी, हमें कहा आदरणीय अखिलेश जी ने कि स्वामी जी आप यहाँ कार्य कीजिए, हमने कहा ठीक हम करेंगे, इसमें क्या है। फिर अभी जो है वहाँ जम्मू कश्मीर में तो महबूबा की गवर्नमेंट है, उसमें तो बीजेपी सहयोगी पार्टी है और वहाँ तो बड़ी चुनौती है, वहाँ भी हम जा रहे हैं।
फिर हम तो आंध्र प्रदेश में भी जा रहे हैं जी, नायडू पेटा के अंदर जी, तो बड़े प्रोजेक्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो है एक भौगोलिक परिवेश में थोड़ा इसमें दुर्भाग्य यह है कि अभी इस समय मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट कहाँ कहाँ, आप बताइए जरा, एक आंत कर्नाटक को छोड़ करके कोई बड़ा स्टेट बताइए। तो अब जो है अब जो भी इसमें राजनीतिक रूप से हम कोई बीजेपी शासित राज्यों में ही हमको ऐसा कार्य करना है, नहीं हमारे लिए देश सबसे पहले, कंट्री फर्स्ट। काला धन पर उस पर भी पूछ लिया जाएगा। काला धन दरअसल एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का। काला धन और भ्रष्टाचार, ये दो समस्याएं खत्म हो जाएं तो देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, अभाव, दरिद्रता ये खत्म हो जाएगी। गरीबी हटाओ, नेहरू जी और इंदिरा जी के समय से नारा चल रहा है, लेकिन गरीबी तो हटी नहीं, अमीरी तो बढ़ गई। हिंदुस्तान में आज भी करीब 80 करोड़ लोग गरीब हैं, और जिसमें जैसे कहते हैं ना आजकल दलित और महादलित, उसमें 40 करोड़ तो अति गरीब लोग। तो ये लाखों करोड़ का काला धन तो देश को लूट करके जमा किया है लोगों ने, तो ये तो देश को मिलना ही चाहिए, और इस दिशा में सरकार को और ज्यादा सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अब सरकार थोड़ी ज्यादा सख्त कदम उठाती है तो लोग कहते हैं इससे तो जो है व्यापारियों में असुरक्षा आ जाएगी, कई तरह के प्रश्न उठते हैं। तमाम प्रश्नों और चुनौतियों के बीच में सरकार को परिणामदायी, प्रभावी और टाइम बाउंडेड, समयबद्ध कुछ ऐसे और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि काले धन की अर्थव्यवस्था, चाहे वो स्वदेशी काला धन है या विदेशों में जमा काला धन है, स्वदेशी काले धन की अर्थव्यवस्था या विदेशों में जमा जो काला धन है उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी, तो निश्चित रूप से हमें FDI की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और देश में जो पावर्टी है, लिटरेसी है, मैलिट्रिशन है, भूख, गरीबी, कुपोषण, कितने बड़े शर्म की बात होती है किसी भी एक सभ्य देश के लिए। इनसे हम अपने, इन तमाम जो बड़े कलंक हैं इनसे अपने देश को मुक्ति दिला सके। GST को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपका दखल व्यापारी औद्योगिक जगत में है, GST जो आ रहा है उसको किस तरह? मैं मानता हूँ कि जो मतलब FMCG से लेकर के उसमें तो ऑलरेडी है, घुसी हुई पहले बहुत विदेशी कंपनियां। मैं ऐसा नहीं कि हमें किसी से डर है, मैं एक नीतिगत बात कह रहा हूँ कि जिनमें कोई विशेष साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल की जरूरत नहीं है उसमें विदेशी कंपनियों की क्या आवश्यकता है? आपको जहाज बनाने हैं तो विदेशी कंपनी ले आओ, और वैसे हम सब कुछ बनाने में सक्षम है, पहला हवाई जहाज हमने ही बनाया था राइट ब्रदर्स से पहले, और वो पुस्तक विमान तो बहुत पहले की बात है, ये आपकी बात कर रहा हूँ, जब कहते हैं ना 1905 में राइट ब्रदर्स ने बना, उनसे पहले जो है उनसे करीब 8-10 साल पहले ही जो है बापू तलपड़े ने महाराजा गायकवाड़ की उपस्थिति में मुंबई की जो है नदी समुद्र के किनारे पहला हवाई जहाज बना करके उड़ाया था, आधुनिक युग में बात कर रहा हूँ। तो खैर साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यदि FDI होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो साधारण जो चीज़ें हैं उसमें हम क्यों लेकर के आए? और GST को लेकर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लेकर, ये एक अच्छी पहल है। GST इस देश की आर्थिक रफ्तार को बढ़ाने के लिए और जो टैक्स टेररिज्म है उससे मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह बना रखा है ना, उससे मदद मिलेगी। आपने तो उस चक्रव्यूह को कई बार, वो चक्रव्यूह आपकी कोई परेशानी का कारण बना है? नहीं, हमने उस बात को बार बार रखा है कि ये जो इतने ज्यादा टैक्स, करीब 32 टैक्स अभी भी हैं जी, तो ये गलत है, देश में एक दो टैक्सेशन होने चाहिए। अब उसका सिंगल विंडो सिस्टम हो जाएगा। हाँ जी 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 और आगे हम पतंजलि में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लेकर के आ रहे हैं, कुछ तो हमने अभी लेकर के आए जी। मतलब जैसे कहते हैं ना कुछ में एकाधिकार था, जैसे हेल्थ ड्रिंक्स,
एकाधिकार एमएनसीज का, वो हमने तोड़ा। जैसे पतंजलि हर्बल पावर बीटा, उससे हमने बोन बीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लोन का जो एकाधिकार था उसको तोड़ा। किलोक्स जो है उसके कॉर्नफ्लैक्स और ये सब किलोक्स विदेशी कंपनी थी, उसका एकाधिकार था उसको तोड़ा। फिर जो है यूनिलीवर का प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों या सामान्य हों, उसको हमने तोड़ दिया। अभी प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हमने सौंदर्य नाम की एक पूरी रेंज लॉन्च कर दी है, जिसमें क्रीम सोप से लेकर के सैंडल सोप से लेकर के और एंटी एजिंग और गोल्ड क्रीम ये सब, और उसके अंदर बॉडी लोशन और फेस वॉश ये सारे। तो प्रीमियम जो हमारा सेगमेंट है कॉस्मेटिक्स में, वो सौंदर्य के नाम से, और शिशु केयर जो जॉनसन एंड जॉनसन ने लूट मचा रखी थी पूरे देश में, अब शिशु केयर के नाम से अब हम जॉनसन एंड जॉनसन को भी पतंजलि पटकनी देने की तैयारी कर रहा है, और ये काम बहुत जल्दी होगा। डेयरी में भी हमने कहा कि हम जो है दूध और घी ये तो पहले ला चुके थे, लेकिन हम बाकी भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे छाछ है, चाहे दही है, चाहे पनीर है, और लिक्विड मिल्क भी है, अभी हम पाउडर वाला मिल्क उसको हमने नाम दिया एटीएम, दूध का एटीएम, एनी टाइम मिल्क, दूध कभी भी कहीं भी, दूध छाछ दही घी कभी बना के पी, नहीं तो क्या ताज़ा दूध लेके आओ, थोड़ी देर बाहर तो फ्रीज आदि ना हो तो खराब हो जाता है। उसका नाम भी एटीएम ही रखा गया, दूध का एटीएम ऐसा। अब जैसे ब्रिटानिया है, मैं एकाधिकार की बात कर रहा था, अब ब्रिटानिया को आज तक किसी ने टक्कर दी नहीं थी, माने बिस्किट के क्षेत्र में भी विदेशी कंपनियों का एकाधिकार, कॉस्मेटिक में भी, फूड में भी, तो ये एकाधिकार अब टूट जाएगा। कैचअप में भी अब किसान जो है, विदेशी ब्रांड है ये किसान कैचअप, अब ये पतंजलि कैचअप ऐसा छा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम इनके मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इनके रॉ मटेरियल की भी जो है पूरी पूरे देश भर में क्यों किसानों से हमने तैयारी शुरू करवा दी है। आपके विदेशों में भी एक्सपेंशन करने की योजना? विदेशों में तो अभी डोमेस्टिक मार्केट जो भारत का बाजार है उसी को भरने में हमें बहुत शक्ति लगानी पड़ रही है, लेकिन नागपुर में हम सोच रहे हैं कि एक एक्सपोर्ट यूनिट भी हम अलग से लगाएंगे, और पूरी दुनिया पतंजलि के लिए बेताब है, आतुर है। लोग ना बोले सन्यासी हो गया, किसी के काम का नहीं। मैं कहता हूँ जो सन्यासी होता है वही सबके काम का होता है, जो स्वार्थी होता है वो किसी के काम का नहीं। दूसरा लोग कहते थे ये सन्यासी इसको क्या आता है, माने सन्यासी को लोग जैसे हे समझते हैं, अब ये धारणा ही बदलेगी। तो सन्यासी किसी के काम का नहीं, सन्यासी ही सबके काम का होता है, और स्वार्थी व्यक्ति किसी के काम का नहीं होता। दूसरी बात जो कहते थे ये सन्यासी इसको क्या आता है, अब सन्यासी से दुनिया सीखेगी। तीसरी बात, अभी तक ये धारणा थी लोगों की समृद्धि जो है वो तो अपने सुख सुविधाओं के लिए, अब हमने एक नया दर्शन दिया, हम नया बाजार, नया आधार, नई सोच, नई दृष्टि, नया विचार, नई सिद्धांत, नई मर्यादाओं की। पहले विज्ञापनों में जो है अश्लीलता होती थी, हमने उसके स्थान पर शालीनता दी, सत्य दिया, सिद्धांत दिए। समृद्धि जो है सुख सुविधाओं के लिए नहीं, अपने भोग विलास के लिए नहीं, समृद्धि सेवा के लिए। ट्रस्टीशिप का दर्शन किताबों में लिखा था, ऐसी स्वदेशी का थॉट जो है वो थॉट्स में था, उसको हमने जमीन दी है। तो कई तरह के इंटरव्यू आपने देखे, हमने ये भी प्रयोग कर दिया ऐसे अचानक, आज जो है विचार आया कि जो है जो अखबारों के पाठकों को पढ़ने को मिलता है, तो ये इंटरव्यू कैसे होते हैं, बहुत से लोग तो यही सोचते होंगे ये इंटरव्यू कैसे होते हैं, कोई जो है आपस की सहमति से रजामंदी से तो नहीं होते कि मैं ये पूछूंगा आप ये उत्तर दे देना, यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो शायद ये प्रयोग भी पहली बार आप आस्था पर देखेंगे, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। सबको बहुत बहुत प्रणाम।